भारत के दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने चुनाव में भरपूर रुचि दिखाई है इस बार, लेकिन किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाया। तो अब क्या कहता है जम्मू कश्मीर का भविष्य, क्या होगा गणित, क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के गृह नक्षत्र पंडित जी? बीजेपी तो पूरी जुगत में लगी है। देखिए, अब अगर आपको याद हो तो पिछले ही हफ्ते हमने दोनों प्रांतों के इलेक्शन का नतीजा जो है वो भविष्यवाणी में बोला था। महाज्योतिष में हमने भविष्य बोला था कि दोनों जगह पे भारतीय जनता की, जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और यहाँ तक झारखंड की बात करें तो झारखंड में तो पूर्णतः बहुमत बीजेपी को मिल गया, मगर वहाँ पर जो है अधर में लटकी हुई नजर आती है। मगर एक बात तय है, जब हम भारत की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो भारत की कुंडली में प्रादुर्भाव होता हुआ दिखाई देता है, भाग्यों में उन्नति हुई दिखाई देती है। और यहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के मुख्य नेता जो हैं महबूबा मुफ्ती जो हैं, उसके बाद में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के मुख्य नेता हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, पीडीपी के रमन गुप्ता की बात करते हैं, तो डेफिनेटली एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी या तो पीडीपी के साथ साथ में जुड़कर 50-50 में सरकार बनाएगी, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली अन्य पार्टियों के साथ में मिलकर, चाहे वो नेशनल कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस पार्टी हो, चाहे वो और दूसरी अन्य विधायक जो हैं वहाँ पे जो जीते हैं आज के दिन, 6 में से 5 भारतीय जनता पार्टी के साथ में कहते हैं कि हैं, कुछ अन्य लोगों के साथ में मिलकर या तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मगर संभवतः कुंडली के आधार पर, इस वक्त जो आपने प्रश्न पूछा है, प्रश्न कुंडली के आधार पर, गोचर के आधार पर अगर हम अनुमान लगाएं तो एक बात तय है कि भविष्यवाणी जो है वो ये साफ साफ नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी जो है वो दोनों अपने एक दूसरे के साथ में गठबंधन कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं।